नमस्कार गाइज, मेरा नाम है अमृत राज और आप देख रहे हैं डुमराउट टीवी पर मुझे। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि CHSL डिस्क्रिप्टिव टीयर 2 का रिजल्ट अभी फाइनली जो मार्क्स आ गया है आज 20 तारीख को, 20 मई को, और इसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सब्र रखो। सबसे पहले इस बार अब जितना भी जो कट ऑफ इस बार होने जा रहा है या फिर होने वाला है गाइज, इस बार जो कट ऑफ होने वाला है UR के लिए 225 प्लस है, तो समझो सेफ है वो बंदा या बंदी, समझ रहे हो ना। OBC के लिए 220 प्लस, EWS के लिए 212 213 प्लस, और SC के लिए 203 से लेकर के 5 प्लस, और ST के लिए 195 प्लस। ठीक है, इतना स्कोर है तो समझो यार आप सेफ जोन में हो। दो तीन नंबर अगर ऊपर नीचे भी है तो समझो कि सेफ जोन में हो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मत छोड़ना, ठीक है। टाइपिंग के लिए तैयारी करो और आपके CGL के प्री में भी 2021 वाले नंबर अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स कि आप वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। टाइपिंग आप डेली प्रैक्टिस करो, इसमें मज़ा भी आता है जब एक बार आपकी उंगलियां बैठ जाती है। और टाइपिंग स्पीड इस बार आप कोशिश करना कि 45 से 50 लेकर के जाना, समझ रहे हो ना गाइस। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि टाइपिंग के लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी होगा हम हैं आपके साथ, समझ रहे हो। आप एक बार टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, समझ गए। वहाँ से आप मुझे टाइपिंग के लिए कुछ भी, अगर कुछ भी पर्सनल चीज़ें टाइपिंग के बारे में पूछनी हो कि भाई ये नहीं हो रहा है कैसे होगा, समझ रहे हो, अब समझ जाओ तुम, ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, वहाँ पे आप पूछ लेना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। परेशान नहीं होना कि ये लॉक है, ये पूरा नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ठीक है। खरीदने वरीदने मत जाना यार, कितना पैसा लगाओगे भाई, ऑलरेडी पैसा बहुत खर्चा करते हो, ठीक है। और एकदम टाइपिंग में लग जाओ अभी से ही, मैंने कट ऑफ बता दिया। मेरे जो मार्क्स हैं, अगर ये वीडियो एडिट हो जाएगा तो सामने डिस्प्ले पे आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव में मेरे मार्क्स 71 है। मैं 65 प्लस के लिए मतलब एकदम वो एक होता है ना आशावान था कि यार इतना बस आ जाए यार कैसे भी करके, बट 71 आया, मैं काफ़ी खुश हूँ। प्री में भी अच्छे नंबर थे, 163.42 थे, और टोटल मेरे बन रहे हैं 234.42 बन रहे हैं, अच्छा स्कोर है। मैं भी टाइपिंग में लगूंगा, ऑलरेडी मेरे अभी 35 प्लस हैं क्योंकि मैं प्री के टाइम से ही लगा हुआ था कुछ टाइम तक। और गाइज CHSL 2021 वालों के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, मैं अभी देखो नया हूँ तो मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या बोला जाता है, आइडिया नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी जो मैं बोल पा रहा हूँ आप लोग यार सपोर्ट करना, गाली मत देना कमेंट में, नहीं तो फिर दोबारा बने वो नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो CHSL 2021 वालों के लिए सीरियसली बता देता हूँ कि आपका अगर एग्ज़ाम 30 तारीख के बाद है, 5-6 दिन बाद है, ठीक है, तो 24 तारीख से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा ना, आप एक बार पेपर देख लेना कि करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है। अभी कैलकुलेशन करो, अभी कंसेप्ट सीख लो, कंसेप्ट क्या सीखो यार, अपना वो रिवाइज करो जो भी पढ़ चुके हो, ठीक है। आप कैलकुलेशन एक बार करो, आप कैलकुलेशन करते रहो CHSL 2021 के लिए, और आप जब भी देखना कि पेपर में करंट अफेयर कहाँ से पूछा, अगर प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है तो आप एकदम प्रीवियस ईयर टेलीग्राम पे जाना, कंपाइल लेना, एक साल का पूरा निपटा देना, ठीक है ना। कुछ टाइम लगेगा, आप निपटा दोगे मुझे पता है। तो एक ये चीज़ हो गया, आप ऐसे एक बार कर लेना, और पूरा इधर उधर से पूछ रहा है, एकदम टफ पूछ रहा है, तो डोंट वरी, वो सबके लिए टफ है, आप बाकी तीन को इग्नोर मत करना मेरे भाई, ठीक है। और क्या बताना था मुझे, हाँ बाकी टाइपिंग करो, एकदम 100% टाइपिंग करो, ठीक है। और क्या बताना था, बाकी सब हो गया भाई। अब किसी को भी कुछ भी डाउट हो, ठीक है ना, तो आप हमसे पूछ लेना, मैं आपका समय नहीं ख़राब करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ ना कि कम ही टाइम में मतलब ज़्यादा आपको चीज़ें दे पाऊँ, मुझे ये व्यूज़ व्यूज़ का वो नहीं पड़ा यार, ठीक है ना। 10 बंदे में से एक भी बंदे देख ले, ठीक है। चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बंद करो ना वीडियो, हम ही को बंद करना।